तो अब आते हैं प्लेस ऑफ आर्टिकुलेटर में. आपको जैसे मैंने पहले समझा दिया था कि क्या क्या होता है, कौन कौन से वर्ड होते हैं, इसमें आपके टोटल जितने भी होते हैं इसमें हम प्लोसिव एफ्रिकेटिव इनसे हम देखेंगे. जैसे हमने मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन और प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन दोनों को मैं साथ में कंबाइन आपको बताऊंगा. तो आपको पता है कितने टाइप के होते हैं, टोटल 6 होते हैं. जैसे प्लोसिव एफ्रिकेटिव फ्रिक्टिव ये सब आते हैं. तो पहले हम आते हैं प्लोसिव पर. प्लोसिव आपके टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं, जिसमें आपके बिलेबियल कितने होते हैं, 2 प ब. और आपके एलोवेलर कितने हैं आपके, ये भी 2 होते हैं, ट और ड. और आपके वेलर जो होते हैं का होगा, आपको पता ही इनका. अगर आपको इनके बारे में पता नहीं है तो आप प्रीवियसली वीडियो देख सकते हैं हमारे. इसके पहले मैंने फोनेटिक्स और प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन पर वीडियो बनाए हैं. अगर आपको ये ब्लेबल ब्लेबियल एलोवेलर वेलर ये सब समझ में नहीं आ रहे तो आप पिछली वीडियो जाकर देखें, आपको उसमें समझ में आ जाएगा. अभी आप यहाँ देखें तो ये आपका हो गया प्लोसिव. अब आपका था एफ्रिकेट. एफ्रिकेट में आपके टोटल 2 होते हैं आपके एफ्रिकेट, जिसमें आपके प्लेटो एल्वेलियर होते हैं. प्लेटो एल्वेलियर ये आपके जो होते हैं चा और आपका जा. चा और जा, ये साइन आपका चा का होता है, ये आपका जा का साइन होता है. फिर इसके बाद क्या आते हैं, फ्रिकेटिव्स आते हैं. फिर क्या आते हैं, फ्रिकेटिव सबसे ज्यादा आपके ये होते हैं. टोटल कितने होते हैं, 9 होते हैं. इसमें आपके लेवियो डेंटल कितने होते हैं, 2. ये आपका फ वा. इसके बाद डेंटल आते हैं, ये द. और अब फोर्थ आपका आता है नेजल. नेजल आपके टोटल 3 होते हैं. जैसे होता है बिलेबियल, बिलेबियल इसमें होता है मा. इसके बाद एल्वियोलर, एल्वियोलर एल्वियोलर आपके होते हैं एन. और बेल आपका न, अम अम. इसके बाद आपका आता है 5वां लेटरल, जो आपका एक ही होता है, जो आपका जो करके इसमें होता है आपका एल्वियोलर होता है. ये क्या होता है आपका, ला, एल्वियोलर ला. 6 आपका होता है फ्रैक्शनलेस कॉन्टिन्यूएंट. फ्रैक्शनलेस कॉन्टिन्यूएंट में आपका आता है एक ही है, जो आपका होता है पोस्ट एल्वियोलर होता है, रा, पोस्ट एल्वियोलर रा. अब इस पर आपका आता है अप्रोक्सीमेट, या इनको सेमी वोवल्स भी कहते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया था सेमी वोवल्स. तो आपका ये होता है ये पैलेटल या और आपका वेलर हुआ. तो इसी के साथ आपका ये आपका फोनेटिक्स का पूरा खत्म होता है. इसमें आपका प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन और इसके साथ आपका मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन सब कुछ फिनिश होता है. इससे ज़्यादा आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में, आपका रीट के एग्जाम में भी, और आपके ये डेली प्रैक्टिस रूटीन में. इससे ज़्यादा को बस बार बार इनको बोलना है, प्रैक्टिस करना है. और आपने अगर हमारे प्रीवियसली वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको देखें आप पहले, और इसके बाद फिर इनको देखें, आपको आसानी समझ में आ जाएगा. अगर आपको जो भी प्रॉब्लम आती है, कोई प्रॉब्लम परेशानी आती है फोनेटिक्स से रिलेटेड, इनके साउंड से रिलेटेड, आर्टिकुलेशन से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको उसकी हेल्प करूँगा. अगर आप इससे रिलेटेड और भी चीज़ें जानना चाहते हैं और भी चीज़ सीखना चाहते हैं इंग्लिश के अलावा, आपको अबेकस ट्रेनिंग भी है. इसमें हमारे पास अबेकस ट्रेनिंग भी देते हैं हम लोग, और साथ में आपको मैथ्स M1 M2 M3 MBA के कोर्सेज भी हम पढ़ाते हैं. आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको उसी पर वीडियो बनाएंगे. और प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.